भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाएं में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति। आगे ब्रह्मा जी कहेंगे इस स्तवन के अंत में ही कि चित्त कब तक भटकता है, जब तक ये भगवान के समर्पित नहीं होता। भगवान जी के समर्पित हो जाने पर चित्त का भटकना बंद हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। इसलिए कि चित्त की चंचलता में दूसरा चंचल आकर के समा जाता है और उसकी सारी चंचलताओं वह आत्मसात कर लेता है। उसकी चंचलता इतनी मनोहर होती है, ऐसी नित्य नव होती है कि उसमें जो रस धारा प्राप्त होती है उसमें इसका सारा का सारा दूसरा चांचल्य सदा के लिए मिट जाता। ब्रह्मा जी ने कहा तड़िदंबराय स्थित सुदामनी सदृश्य पीताम्बर धारी को प्रणाम। ये नमस्कार दूसरी बार किया। अब तीसरी बात आई, ब्रह्मा जी के मन में आया कि हमने जो बात कही ये फिर सोचने की है कि ये नवनील नीरद जो विष्णु भगवान भी हैं, नारायण भी हैं, यद्यपि कुछ अंतर है, भगवान नारायण का जो स्वरूप सौंदर्य है, वरन है, वह इसमें श्याम आभा नहीं है, ये विशुद्ध नीलाम है, नील वरण पर उज्जवल आभा है और श्री कृष्ण के स्वरूप में ये नील श्यामाम है, इतना अंतर है। लेकिन ये अंतर नगण्य है, सबके देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा जी के मन में आया कि इनमें जो दो बात देखी, ये नव नील नीरद घनश्याम शीर और पीताम्बर, ये तो विष्णु भगवान जी के लिए भी हैं। यहाँ एक विशेषता है, विष्णु भगवान मणि कुंडलों से विभूषित हैं, उनके मणि में कुंडल हैं, दिव्य रत्नों के बाजू बंद हैं, कड़े हैं, कंकन हैं, नपुर हैं और रत्न समूहों के बड़े बड़े दिव्य आभूषण वे पहने हुए हैं। पर ये ब्रज राजकुमार नंद नंदन इनके आभूषण दूसरे हैं। किसी भगवान ने आज तक घुंघची की माला पहनी हो तो बताइए। ये वन में अपने आप पैदा होने वाले लाल लाल वनोपुंज हैं, अपने श्रीमुख पर काला बिंदु लगाए हैं। ये घुंघची सामान्य वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं, लोग रत्नों को पेटी में रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें, ना मालूम कितनी महंगी चीज संभाल करके रखने की और सबको मिले भी नहीं, उसकी नकल कौन करे। विष्णु भगवान के मणि रत्नों के हार की नकल कोई करने जाए तो कभी नहीं कर सके, परंतु किसी गुंजा की माला पहननी हो तो किसी भी घुंघची के पेड़ के नीचे गए और फल लेकर के माला गूँथ ली, पहन ली। ब्रह्मा जी ने कहा न्युच्छावर हैं, बलिहारी इस नंदनंदन रूप की कि ये अत्यंत तुच्छ वस्तु गुंजा और उसका जो ये अवतंश धारण किए हैं, गुंजा के गहने पहने हैं, गुंजा की माला पहने हैं और सिर पर जो जूड़ा बांध रखा है वह भी गुंजा माला से परिवेष्टित है और उस पर कोई हीरे की सोने की कलगी थोड़े लगाए रखी है। बोले ना मयूर पुच्छ है। ये तो उनका बड़ा सुंदर नवनील नीरद वरण उस पर स्थिर सौदामनी के सदृश अचंचल बिजली के समान पीताम्बर और फिर गुंजा की माला और सिर का आभूषण मयूर पिच और वन्य व्रजे वनमाल। ये नहीं है कि बगीचे में से कोई माली बढ़िया बढ़िया फूल चुन करके लाया हो, अलग अलग राजा साहब के लिए खास बगीचों से सो नहीं है
वनमाल वन में जो पुष्प खिलते हैं उनकी माला है। यद्यपि श्री कृष्ण के इस प्राकृत्य के समय तमाम वन राजी है और अपनी सारी शोभा सामग्री को लेकर के वहाँ पर उपस्थित है, यह पल्लवों की पुष्पों की माला बीच बीच में तुलसी मंजरी गुथी हुई और कोमल कोमल पत्ते माला में लगे हैं, कहीं लाल पत्ता कहीं हरा पत्ता और बड़े बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल। बोले, दीनों के बंधु तो यही हैं। ब्रह्मा जी आज अपने को दीन अनुभव कर रहे हैं। बोले, बड़े लोगों के लिए जो बड़े माने जाते हैं वे होंगे जिनके दर्शन दुर्लभ जहाँ पहरे लगे लग रहे हों, वैकुंठ में सनक आदि गए तो वहाँ पर उनका प्रवेश निषिद्ध है। शाप दे दिया पर पहले जा नहीं पाए। द्वार पर बोले, महाराज जरा ठहर जाओ और यहाँ वन में किसी का प्रवेश निषिद्ध नहीं। ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि ये हमारे जैसों का निर्वात हो इन ब्रज राज नंदन के चरण प्रांतों में ही हो सकता है, यह सरल सुलभ है और कितने दयालु ये श्री चरण हैं, ऐसा भाव वैकुंठ विहारी में नहीं मिल सकता। वैकुंठ विहारी का वैभव देखते ही पहले अचकचा जाए आदमी और कल्पना में नहीं आवे। मुझे तो आश्रय दान यह ब्रजराज नंदन ही दे सकते हैं। इसी भाव से भावित ब्रह्मा जी कहते हैं, गुंजा वतस से और म्यूरपिस से परिशोभित मुख वाले हे भगवान, हे वनमाली, आपके चरणों में नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी के सामने बार बार वे दृश्य आते हैं, तब उनका जो अपरिसीम माधुर्य समुद्र है वह मानो लहरें मारने लगता है। भगवान श्याम सुंदर का अपने सखाओं को अनर्गल विशुद्ध प्रेम रस का दान, अनर्गल कोई बाधा नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई सम्मान संभ्रम नहीं, कोई सत्कार मान नहीं, कोई पूजा अर्चन नहीं। बताइए किस गोप सखा ने इनकी पूजा की? सजाया जरूर अपने सखा को, वान धातुओं से चित्रित किया, नाना प्रकार के पत्तों को लेकर के बिछा करके सुला दिया, पत्तों से हवा करने लगे पर पूजा नहीं की। ये तो अपने सखा को सुखी बना करके सुखी होने अपने सुख के लिए आयोजन है। इन्होंने बदले में कभी किसी से ये नहीं कहा, कल्पना नहीं हुई कि देखो हम इतने बड़े और ये हमारी बराबरी करने लगे, बल्कि वो बराबरी करने के लिए उतावले। ब्रह्मा जी को याद आ गया कि देखो ये छोटे छोटे शिशु कैसा व्यवहार करते हैं। सूरदास ने देखा इसको, एक दिन खेल रहे बछड़े चराते हुए, तो खेलते खेलते अब यहाँ रोज रोज कोई नई नई लीलाएं हों और नए नए रस का प्रवाह रहे, वैसी सामग्री होनी चाहिए जो रस का उदय कर दे, तो यह मान कोप ये सारी की सारी उद्दीपन सामग्री है। जब भगवान जी के मन में आया कि आज यह सारे सखा मुझको डांटे तो सुख मिले, अद्भुत बात है। भला अखिल लोक अधीशर सरनिशंता भगवान विशुद्ध प्रेम रस दान के लिए और पान के लिए भी आकांक्षा करते हैं कि ये मेरे मित्र जरा मुझे डांटे। किसी भगवान ने आज तक कैसी आकांक्षा की हो तो बताइए। इन्होंने क्या किया कि बछड़े सब चर रहे हैं, तो बोले, भैया हम जरा थक गए हैं और तुम
कहो तो सो जाएं। सखा बोले, हाँ भैया सो जा, हमारी गोद में सो जा। बोले, गोद में कोई आकर के जगा दे, कोई आकर के छेड़ दे, हम जरा आराम करना चाहते हैं। सखा बोले, कहाँ करोगे, ये इनके आराम का बिछोना कैसा, अलभ्य वस्तु है। बोले, वह जो कदम की डाल दिखती है, ये जरा चौड़ी चौड़ी है, इस पर सो जाएं। वह शेष शैया पर कोमल कोमल हजार मुख वाले शेष ऊपर से छाया करते रहें और लच्छी जी पैर दबाती रहे, शीत समुद्र में भगवान सोए दें। वैकुंठ उस दिव्य प्रसाद में भगवान शयन करें, ये नहीं। बोले, भैया इस कदम की डाल पर सो जाएं। तो बोले, हाँ सो जा। तो श्री कृष्ण बोले, हमारे बछड़े। बच्चे बोले, बछड़ों को हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, तू सो जा, पर देख बहुत देर तक सोए मत रहना। बोले, हाँ थोड़ी देर आराम करूँगा, आराम करके उतर जाऊँगा। गए ऊपर और जा करके लेट गए। अब इनकी निद्रा कैसी है, स्वयं ही निद्रा है इनकी नींद, कोई दूसरी चीज़ कोई थोड़े है। इनका सोना यहीं, इनका जगना यहीं, इनकी निद्रा यहीं। भगवान जी ने अब आँख मूंद ली। अब थोड़ी देर तक सखाओं ने देखा कि सो रहा है, इसे जगा मत, अब उसके बिना मन लगे नहीं। श्याम सुंदर बीच में ना खेलें तो ये सब के सब व्याकुल हो जाएं, बच्चे व्याकुल हो जाएं और बोले, अरे कन्हैया उठ। अब कन्हैया तो सोए हुए हैं, उठे नहीं, बार बार ये पुकारे। किसी ने कहा, जरा पेड़ पर चढ़ करके हिलाओ तो अपने आप जागेगा, इतना विशाल कदम का पेड़ हिले नहीं, पर अपनी जान से चेष्टा करें, पुकारे जोर से। फिर किसी ने कहा, जरा कंकड़ फेंको। दूसरा बोला, कहीं उसे लग गई तो। बोला, ऐसा फेंको कि उसे लगे नहीं। एक ने कहा कि फूल फेंको। इस प्रकार चेष्टा करके नाना प्रकार से जगाने लगे, पर जगे नहीं, तो बच्चे खींच गए, डांटे। बोले, आया कहीं बादशाह बन करके, उतर जा नीचे, इन बछड़ों को लग कर। सूरदास जी ने देखा, न्यारी करो हरी आपनी गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। श्री कृष्ण ने सखाव ने कहा, ना हम तुम्हारे नौकर हैं, हटाओ अपनी गायों को लग। आकर के सो गया, बड़ा बादशाह बन गया। भगवान ने उतर करके हाथ जोड़ लिए और बोले, भैया भूल हो गई। भगवान प्रसन्न हो गए कि देखो हमारे सखा कैसे निर्मलांतकरण हैं, इनके हृदय में कहीं भी कोई छल छद्म नहीं है, बनावट नहीं है, जो भाव आया वही भाव इन्होंने व्यक्त कर दिया, निच्छल। भगवान जी को सरल लोग बड़े प्यारे होते हैं, बुद्धिमानों की अपेक्षा, इसलिए तार्किकों के सामने भगवान जी का रस रूप नहीं प्रकट होता। ब्रह्मा जी कुछ तर्क करेंगे बीच में आगे, पर इसी रूप की सिद्धि के लिए। ब्रह्मा जी डर गए कि तर्क की बात कह दी, परंतु हमें तो ये श्याम रूप चाहिए। ब्रह्मा जी को याद आ गया कि ये बच्चों के साथ, बच्चों के प्रति इनका अनर्गल प्रेम दान। फिर यह याद आया कि देखो ये तो आकर के बछड़ों के सिर सूंघते, बछड़ों का मुख चुंबन करते और अपने
हाथों से हरी हरी कोमल कोमल घास बीन बीन करके बछड़े के मुंह में देते। छोटे बछड़े पानी पीना जाने नहीं तो अपनी नन्ही नन्ही अंजली में जल भर करके लाते और बछड़ों को पिलाते। बछड़े अपनी जीभ निकाल करके लप लप करके पिया करते। यह लीला सब ब्रह्मा जी ने देखी थी और जब कोई पात्र नहीं होता तब क्या करते कि अपने पीताम्बर को जा करके तालाब में डुबो देते। भीग जाता तो दौड़े आते और बछड़ों का मुंह एक प्रकार से थाम करके उनमें निचोड़ देते। इस प्रकार बछड़ों की सेवा करते, गोप शिष्यों की रुचि का आदर करते। वे कहते कि भैया अब सो जा, तो सब सो जाते। अब कहते कि हमने तेरे लिए अमुक अमुक धातु पीस करके रखी है और हम तुम्हें सजाएंगे। बच्चे कहते अच्छा भैया सजाओ और अब हम लोगों को तुम सजाओ, खाली हम ही तुम्हारी सेवा करें, तुम नहीं करोगे तो बोले हम पहले करने को तैयार। सजाते अपने हाथों उनको, उनकी सेवा करते। ये सोचा ब्रह्मा जी ने और फिर ये वेणुनाद इनका क्या कहना है, इसने तो सारे जगत को भी मोहित कर दिया, अलौकिक है ये तो। इस वेणुनाद ने दिव्य अति दिव्य रस की वर्षा की, अनोखी क्रिया है। ये मुग्ध हो गए और इनकी आंखें डूबी, इनका मन डूबा। अब फिर इनके मन में आया, वह बार बार देखते ही रहे। अब देखा कि ये केवल वनमाला इत्यादि नहीं है, इनका रूप देखेंगे वही ध्यान में आ रहा है। जब से ब्रह्मा जी आए और जब से भगवान जी को देखा, उस रूप में बड़े रूप उनके ध्यान में हैं। वह अब देखा उन्होंने हाथ में दध्योदन दही भात का कोर लिए हुए, नैवेद्य लगाने के लिए किसी प्रकार की दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ये तो बस हाथ में दही भात का कोर है और वह भी ना मालूम किस किस का हाथ लगाया हुआ। तमाम बच्चों के द्वारा स्पर्शित ही नहीं भूषित भी हैं। बच्चों के साथ खाते खेलते दध्योदन और गायों को बछड़ों को और हांकने की छोटी सी छोटी बैंत और सिंगा और बंसरी सब सजाए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने देख करके मुग्ध होकर के कहा महाराज वह शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान हमें नहीं चाहिए, उनके तो सामने जाने पर लगता है डर लगता है, कौन बच्चा जाकर के उनके साथ खेले। बोले महाराज करतल पर दध्योदन कांख में वेणु बैंत और सींग लगाए, कछोटी में वेणु खोस से, ये जो अप्रतिम शोभाशाली नंद नंदन है इनको हमारा नमस्कार है। हम तो बस जब किसी को आकर्षित करना है तो मुरली बजा दी, गायों को इकट्ठा करना है तो सिंगा बजा दिया, गायें डरती नहीं इनसे, ऐसी नरम नरम छड़ी हैं कि यदि किसी गाय का उससे स्पर्श हो जाए तो गाय समझती है कि सहला रहा है हमको। ये सारे के सारे मधुर 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 अति मधुर सामग्रियों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण की
को देख करके उनके मन में इस प्रकार की बातें सब आ गई। ये बाल लीला भगवान जी की सफुरित हो गई। मेरे दो पदे पशु पांग जाए। अब ये देखा, याद आई कि देखो ये लीला कितनी मधुर है, हमने तो पहले भी इनके रूप देखे। ये कोर बने, मत्स्य बने और फिर नरसिंह अवतार की बात याद आई तो कांप गए। ब्रह्मा जी ने स्मरण किया कि वह भी इन्हीं का रूप था, वह भी यही थे, पर इनके वहां के माधुर्य से और वहां की भयंकरता से कोई तुलना ही नहीं। तो भगवान जी ने कहा, हमने जब वह रूप देखा तो महाराज पृथ्वी तो डोल रही थी और तमाम विश्व के सारे प्राणी भय संत्रस्त थे, ये तमाम पहाड़ हिल रहे थे। उस समय की दशा याद आई कि हम तो सामने नहीं जा सके। तो ब्रह्मा जी को याद आया कि हम तो दूर खड़े रहे और हाथ जोड़े एक नमस्कार करके वहां से भागे। लक्ष्मी जी डर गई, औरों की तो बात ही क्या। ब्रह्मा जी ने याद किया और उस समय की बात को तो कि लक्ष्मी जी के जो स्वयं भगवान जी की श्री वक्ष स्थल पर नित्य निवास करने वाली भगवान जी की प्रिया, जब ये सब के सब संतरस्त हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि भैया कि मैया आप जाओ, अगर नरसिंह भगवान जी का और कोप शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय आज ही हो जाएगी, प्रलय काल नहीं आएगा। भगवान जी की यह क्रोधमयी नेत्र ज्वाला तो आज सबका नाश कर देगी। तब लक्ष्मी जी गई सामने और देखा कि ये हमारे स्वामी ही तो हैं, पर स्वामी का ये विकट रूप कभी देखा नहीं था, आज तक नहीं देखा। जानती है स्वांग है, जानती है उन्हीं का रूप है, पर देख करके आंखें मूंद ली और भागी वहां से, दौड़ करके बोली ब्रह्मा जी से कि महाराज मेरी रक्षा करो, अभी मेरे वश का ये रूप नहीं है, मैं नहीं संभाल सकती, मैंने तो कभी इतना भयानक रूप देखा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रूप तो वह भी आपका था, पर आपके उस भयानक रूप को देख करके डर गया, और वह वामन रूप इतने बड़े बड़े पैर कर लिए इन्होंने कि तमाम ब्रह्मांड को नाप लिया, और हमने तो दूर से ही चरणों पर पानी डाल करके कमंडल में ले लिया। उन पैरों का माप तोल कौन करे, आपके जो मृदुल मृदुल चरण हैं इन्हें तो हमने आज ही देखा, नन्हे नन्हे से चरण ये ब्रज की श्यामल तृण भूमि पर ये विचर रहे और सखाओं के साथ विचर रहे, दौड़ रहे, ये चरण हमने पहले कभी नहीं देखे। इसलिए इस मृदुल चरण वाले जो आप हैं, ऐसे आप भगवान को नमस्कार है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि नमस्कार आदि तो सब कर लिया, पर ये मिले कैसे, कोई साधन होना चाहिए उनके मिलने के लिए। अब ब्रह्मा जी के मन में एक बात आई, ये सारी बातें सफुरित हो जाती हैं जब प्रेम राज्य में प्रवेश होता है तब। टीकाकार ने लिखा कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है, अब कोई उसको पकड़ना चाहता है तो क्या पीछे पीछे दौड़ने से पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ने की कला जाननी चाहिए, और वह कला हर एक नहीं जानता। जो बहेलिया उसे पकड़ने की कला में निपुण है वही पकड़ सकता है। ये भगवान नारायण का स्वरूप निर्गुण ब्रह्म का निर्विशेष रूप जो है, ये सब तो दूसरे दूसरे उपायों से पकड़ में आते हैं, पर ये रूप इस प्रकार के बन करके श्याम सुंदर प्रकट हो जाएं, इसका हमने कोई उपाय आज तक देखा नहीं। ब्रह्मा जी के ध्यान में कोई उपाय नहीं था, जहाँ केवल ज्ञान का साम्राज्य है या ऐश्वर्य भक्ति का साम्राज्य है वहां पर भी इस बीज का उदय नहीं होता।
वहाँ विष्णु भगवान दर्शन देते हैं, वहाँ उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं, अविचलित वरदान देते हैं, सब करते हैं। पर इस प्रकार से बालक बन करके, छोटे से अज्ञ शिशु बन करके अपनी सर्वज्ञता करें, अपनी भगवता को, अपने ऐश्वर्य को, अपने ज्ञान को सत्ता छिपा करके, केवल नाट्य के लिए नहीं, स्वयं वैसे बन करके, वैसी अनुभूति करते हुए कहीं प्रकट हुए हों, ये साधन ब्रह्मा जी को मालूम नहीं। यहां ब्रह्मा के मन में आया कि ऐसे कहां प्रकट हुए हैं, इन ग्वालों में प्रकट हुए हैं, नंद बाबा के यहां प्रकट हुए हैं, ये कला जानते हैं नंद बाबा, इस कला को जानने वाले ब्रजेश्वर हैं, इसलिए उनका समस्त स्मरण करना चाहिए। भगवान जी के प्रेम स्वरूप को प्राप्त करना हो तो जिनमें सख्य भक्ति की कामना है वे किसी सखा भक्त का अनुकरण करें, जिसके मन में वात्सल्य भक्ति की इच्छा है वे किसी वात्सल्यता में भगवान जी के प्रेमी का स्मरण करें, उनकी शरण लें, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, जिनको अपने प्रीतम प्रेष्ट के रूप में भगवान को प्राप्त करना है वे किसी सखी मंजरी की शरण लें और उसके पद अनुगत होकर के उसके बताए मार्ग पर चलें। अपनी सारी तर्क बुद्धि को, अपनी सारी की सारी दूसरी चेष्टाओं को निरस्त करके तब कहीं इनकी प्राप्ति होती है, ये दूसरे साधनों से नहीं होती है, ये भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रेमियों की कृपा के बिना नहीं होती है। ये सीधी बात है, ये न शास्त्र से, न अध्ययन से, न जप तप से, न यज्ञ से इसकी प्राप्ति होती है, ये तो प्राप्त होता है जो इस विद्या में पारंगत है, जिन लोगों ने अपने प्रेम के द्वारा भगवान जी को बांध लिया है उनकी कृपा से। सारा जगत बंधा है कर्म बंधन से और भगवान नित्य मुक्त है, लेकिन ये प्रेम साम्राज्य ऐसा है जहां पर स्वयं भगवान बंध जाते हैं, उस बंधन में आनंद का अनुभव करते हैं मुक्त स्वरूप भगवान, जो नित्य मुक्त हैं, स्वभाव मुक्त हैं, वे भगवान उस बंधन में सुख का अनुभव करते हैं, रस का अनुभव करते हैं। इस प्रकार का जो प्रेम साम्राज्य है उसमें प्रवेश करने का अधिकारी वही है जो इस प्रेम साम्राज्य में रहने वाले निपुण लोग हैं, उनके शरणापन्न हो जाए, यही ये छोटा सा बाल रूप है। कुछ थोड़ी सी सख्य लीला देखी यहाँ पर ब्रजेश्वर की, जो प्रेम की निकुंज लीला है वह तो ब्रह्मा जी ने देखी नहीं और वह कभी देख सकते नहीं, वह नहीं देख सकेंगे, उनकी बात तो लग गए। यहां तो इनके सामने नंद बाबा हैं, इन्होंने सोचा मन में कि नंद बाबा का स्मरण करें, ब्रजेश्वर का तो उनके साथ संबंध जोड़ करके इस बाल गोपाल का स्तवन करें तो ये अपने पिता का नाम सुनकर के द्रवित हो जाएंगे, क्योंकि ये उनके वात्सल्य जाल में फंसे हुए हैं, ये भगवान किसी के फंदे में नहीं आते, कोई और बांध नहीं सकता, पर ये स्वयं फंदे में आते हैं और ऐसे फंदे में आते हैं कि उससे अपने को छुड़ाना नहीं चाहते, उसमें इनको रस की अनुभूति होती है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि योगेंद्र मुनेन्द्र बड़े बड़े ऋषि तपस्वी ज्ञानी सुर असुर ने ना मालूम कितनी उपासनाएं की, कितनी आराधनाएं की, तप किया, पुण्य किया, यज्ञ किए, परंतु इन मन मोहन वेश का दर्शन तो किसी को नहीं हुआ, किसी ने मुक्ति पाली, किसी ने भुक्ति पाली, किसी ने दिव्य लोक पा लिए, ये सब कुछ पाया, परंतु ये दिव्य स्वरूप, ये मधुर रूप श्री कृष्ण का जो मेरे सामने हैं वह उनमें से किसी को नहीं मिला,
किसी के भी साधना जाल में भगवान फंसे नहीं, पर नंद बाबा के वात्सल्य जाल में फंस गए। बस नंद बाबा का नाम लेना चाहिए। नंद बाबा की जय, बाल कृष्ण भगवान जी की जय।